नमस्ते, मेरा नाम दिलीप साहनी है। मैं एज़ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर काम करता हूँ। मैं आज आपको ऐश हैंडलिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पावर प्लांट के लिए। ऐश हैंडलिंग सिस्टम, जो जैसे आप बॉयलर में कंबशन करते हैं तो जो ऐश बचता है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारा ड्रेन होना चाहिए। आज मैंने भी बहुत सारे सर्च करे थे जब इनिशियल कंडीशन में यूट्यूब पे, बट मुझे कुछ इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला नहीं था, तो आज मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली ऐश हैंडलिंग सिस्टम काम कैसे करता है, तो वो आपके PLC के थ्रू या DCS के थ्रू कनेक्टेड रहता है, और वो कनेक्शन आपको यहाँ पे एज अ SOV जो सिस्टम होती है वो SOV से कनेक्टेड रहता है। और वो काम कैसे करता है, जब सिंपली देखते हैं, ये हमारा पावर सिलेंडर बोलते हैं इसको, ये पावर सिलेंडर एक्चुएट होता है, ये पावर सिलेंडर एक्चुएट होता है, और ये जब एक्चुएट होता है तो अंदर डोम होता है, डोम वॉल बोलते हैं उसको, वो डोम सिल से कनेक्टेड रहता है। जब ये हमारा सिस्टम ओपन या क्लोज होता है तब डोम ऑपरेट होता है, और डोम ऑपरेट होते ही हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मीन्स कि क्या होता है, जो ऐश कंटेंट रहता है साइलो के अंदर, वो साइलो के अंदर से ऐश कंटेंट डाउन होता है और वो कन्वेइंग के लिए जाता है। ये इसका वर्किंग है। अब इसमें जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, अब वो वन बाय वन मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। जैसे कि ये पावर सिलेंडर, अब पावर सिलेंडर का काम एक ही होता है कि जो डोम वॉल रहता है उसको ऑपरेट करवाना, या आइदर ऑन या ऑफ करवाना। अब उससे रहता है हमारा सील प्रेशर, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद में पैनल के ऊपर जाऊँगा तब बताऊँगा। अब ये जो डोम सिलेंडर है, ये सिलेंडर जब हमारा ऑपरेट होगा तब यहाँ से डोम क्लोज होगा। उसमें क्या रहता है कि हमारा जो सारे एयर पे काम करता है इंस्ट्रूमेंट है, जो हमने देखे रखा है, अब मैं दिखाता हूँ। ये होता है क्विक एग्जॉस्ट वॉल्व। जब हमारा प्रेशर यहाँ से पुश करेगा तब ये वॉल्व ओपन हो जाएगा, और अगेन जब यहाँ से फ्रंट साइड से पुश करेगा, जब टाइमिंग चेंज होगा तब ये क्लोज होगा। ऐसा उस सिचुएशन में क्या होगा कि वन साइकिल आपका रिपीट होगा, वो साइकिल रिपीट होने से ऐश नीचे जाएगा। अब बात हो गई यहाँ तक की। अब यहाँ से आपको ये ऐश साइलो के अंदर जाना चाहिए, जो अपना ESP से निकलता है, तो उसके लिए अलग सिस्टम है जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन है, इसके बाद में मैं आपको प्रॉपर इसका वर्किंग बताऊँगा, और अगर प्रॉब्लम आती है इसमें तो क्या प्रॉब्लम आती है और क्या सॉल्यूशन है। तो ये हमारा तो है क्विक एग्जॉस्ट वॉल्व, थोड़ा जूम कर रहे हैं, ये होता है क्विक एग्जॉस्ट वॉल्व। जब हमारा प्रेशर यहाँ से आता है, इसको क्या है, ये डोम सील हमारा हेल्दी है कि नहीं, या डोम प्रेशर हमारा हेल्दी है कि नहीं, वो बताने के लिए। अभी आप देखिए, ये हमारा सिस्टम ऑपरेट हुआ है, अभी इस सिचुएशन में डोम हमारा ओपन हुआ है, अभी ये सिलेंडर थोड़ी जो टाइमिंग देते हैं 10 सेकेंड, या हाँ अभी ये डोम क्लोज हो गया। अब ये सिस्टम ये एयर के थ्रू, अभी ये एयर के थ्रू ये जाता है लिमिट स्विच में। ये लिमिट स्विच बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हमारा डोम क्लोज होता है तो प्रॉपरली क्लोज हुआ कि नहीं वो इससे पता चलता है। इसमें है कुछ नहीं, बस एक एयर इंस्ट्रूमेंट एयर है जो यहाँ से इसको इसके थ्रू पास होना रहता है, और डोम सिल से ये आपको डायरेक्टली लेके जाता है आपके पैनल में, जो SOV के उधर कनेक्टेड रहता है। उसमें आपको दिखाता है कि आपका सील प्रेशर हेल्दी है कि नहीं, वहाँ पे प्रेशर शो करता है। बस इतना ही काम है। अगर नहीं रहा तो आप इसको चेक कर सकते हो कि आपका प्रॉपरली ये लिमिट स्विच प्रेस होता है कि नहीं। नहीं होता है तो ये नट बोल्ट के थ्रू आप उसको टाइट करके और उसको कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इस पर आपको ध्यान देना है अगर सील प्रेशर हेल्दी नहीं होता है तो। आइए क्लिक करना, डोम ओपन हो गया, और जब ऐश नीचे गया तो फिर अब ऐश को कन्वेइंग होकर ऐश साइलो में जाना रहता है, तो उसके लिए रहता है ये टू वे ऑन ऑफ वॉल्व रहता है। इसके में भी कुछ खास नहीं है, ये जब वहाँ पे सिग्नल जाता है कि आपका डोम सील हेल्दी है, तो कन्वेइंग के लिए वहाँ से दूसरे SOV से जाता है, जो मैं आपको पैनल पे बताऊँगा SOV के बारे में। तो वो दूसरे SOV से यहाँ पे एयर आएगा और ये ऑपरेट होगा, ये जब ऑपरेट होगा तो ये पूरा कन्वेइंग होके ऐश आपका जो लाइन फ्लशिंग होके साइलो में जाएगा। ये पूरे ऑन ऑफ वॉल रहता है, इसके लिए अलग से प्रेशर लगता है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैनल के बारे में। जैसे आपको बताया था कि पैनल में से कमांड कैसे मिलता है, ये सब आपको मैं लाइव बता रहा हूँ, वो भी सिस्टम रनिंग कंडीशन में। ये हमारे SOVs रहते हैं, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करा है,
हमारा डोम सील में बार बार मतलब प्रॉब्लम आ जा रही थी, डोम सील फट जा रहा था, तो उसके लिए मैंने उसको लो प्रेशर पे जो नॉमिनल प्रेशर है वो रख के अब उस पर ट्रायल पर्पज़ पे रखा है, पिछले 2 महीने से रखा है, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम आया नहीं। अब ये आगे हमारे 3 SOVs लगी, 2 SOV लगा है और एक प्रेशर स्विच लगे। ये प्रेशर स्विच सबके लिए इंडिविजुअल कनेक्शन मतलब PLC से कनेक्शन आया हुआ है यहाँ पे, और ये SOV जिसे मैंने आपको बताया था डोम के लिए ये लगा है जिसको 5x2 बोलते हैं, सिंगल एक्टिंग 5x2 SOV, और ये 3x2 SOV रहता है जिसमें से एक इनपुट एक आउटपुट रहता है, उसमें एक इनपुट दो आउटपुट रहता है जो हमारे डोम के लिए जैसे मैंने आपको वहाँ पे नीचे बताया था ओपन एंड क्लोज के लिए। तो ये सिस्टम है, ये पूरा PLC या DCS से आपका आएगा। अगर मोस्टली प्रॉब्लम उधर से नहीं आती है, मोस्टली प्रॉब्लम SOVs में रहता है या आपके जो प्रेशर स्विच है उसमें इशू आता है, ये सिस्टम मैंने आपको बताया। और हमेशा याद रखिए ये फिल्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसमें जो एयर आना चाहिए वो नीट एंड क्लीन, मतलब उसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है बैक प्रेशर और ये है सील प्रेशर। जैसे अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको सील प्रेशर 5.5 kg और 6 kg के बिटवीन रखा है, क्योंकि मेरा डोम सील का प्रॉब्लम आ रहा था, डोम सील बार बार डैमेज हो जा रहा था, अभी नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि सील प्रेशर आपका हेल्दी रहेगा तब कन्वेइंग प्रेशर या बैक प्रेशर आपका 0 रहेगा, वो कन्वेइंग प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। अगर आपका बैक प्रेशर क्रिएट होता है तो उसके लिए NRV था, तो आप NRV चेक कर सकते हैं या NRV चेक करके आप चेक कर सकते हैं। अगर NRV भी प्रॉपर है तो लाइन आपका चॉकअप हो सकता है, तो उसको आप बोलिए आपके ऑपरेटर को हैमरिंग करें, क्लीन करें लाइन वो, या तो फिर सिस्टम में ही ऑटो रहता है जो पर्ज ओवरराइड मोड बोलते हैं, जो पर्जिंग करके वो क्लीन कर देता है, नहीं हुआ तो फिर हैमरिंग करके आपको करना पड़ेगा। और सील प्रेशर अगर हेल्दी नहीं आता है तो आइदर आप एक बार सिस्टम चेक कर लें, वो लिमिट स्विच चेक कर लें जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, या फिर आपका सील जो डस्ट सील बोलते हैं, डोम सील बोलते हैं, वो भी आप चेक कर लें ऐसा करके, वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। चलिए आज के लिए इतना, धन्यवाद। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है पर्टिकुलर इक्विपमेंट के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसमें एक और सिस्टम आती है जो मास्टर एंड स्लेव बोलते हैं उसको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगेन मुझे आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। या पावर प्लांट रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। धन्यवाद।